गाइस बारिश आ गई। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20th मई, फ्राइडे, और मैं उठ गई हूँ। आज मैं लेट उठी थी 10 बजे के करीब, क्योंकि रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 3 बजे तक मैं ऐसे ही तो बैठ रही थी उठ रही थी। तो अभी नीलू स्कूल गया हुआ है, अभी आने वाला है। 11 बज गए, 11 बज गए, लेट हो गया। अब तक आए नहीं, 10:30 छुट्टी हो जाती है उसकी, तो 50 तक आ जाता है वो। क्या पता रास्ते में ही हो। और मम्मी अभी खाने की तैयारी कर रही है आज के लंच की। आज हमारे घर में अरबी बनेगी, जो कि नीलू को भी नहीं पसंद, मुझे हम खा लेते हैं बस, लेकिन वैसे प्रॉपर नहीं है। अभी तक तो आया नहीं है, रास्ता खाली पड़ा है। ये किसकी साइकिल है? फ्रूट वाले भैया। कितनी शांति है गाइस हमारी गली में, जैसे कोई रहता ही नहीं है इस गली में। तो मेरी नानी के वहाँ पे इतनी चहल पहल रहती है, पता नहीं कहाँ रह गया नीलू भी, आ जाएगा। गाइस, नीलू घर आ गया एक अपनी एक नई ड्रिंक के साथ, जिसका नाम है फैंटा एप्पल डिलाइट। बट नहीं, ये वही है, एप्पी है, बस फैंटा वो बॉटल चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। एप्पी है, सेम टेस्ट, एप्पी है सेम, क्या वही भर दी। कोई नहीं, ऐसा लग रहा है फिनाइल की बॉटल है। छे पागल, ये लगाओ, टच कर दो, हमें भी टेस्ट कराइए ना। इसमें लिखा विद नेचुरल एप्पल जूस, एप्पल डिलाइट फैंटा, पियो ना। एप्पी है, थोड़ा सा कम है इसका, वो स्ट्रॉन्ग है, ये कम है। नहीं, ये फिजी है। एप्पी जो बॉटल में आती है वो फिज वाली होती है, और जो टेट्रा पैक है वो नहीं होती फिज। गाइज, मैं अंदर बैठी थी और मैंने देखा हमारा डोर इतनी जोर से बजा, ये वाला कितनी जोर से आंधी आ रही, माय गॉड, देखना सारा गंदा हो गया हमारे घर के आगे। मोती जा अंदर बैठ, जा घर के वहां पे जा, उठ मोती उठ। क्या हो गया इसे? मोती हिल नहीं रहे तो पड़ेगा, सही है, मुझे डर है। अरे मैं तो चेक कर रही थी, जाओ उधर बैठ जा। तो गाइस देखो कितनी जोर से हिल रही, मन कर देती हूँ सारा अंदर तक मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। अभी नीलू भी वॉक पे गए हुए, मम्मी ने उसको फ़ोन करा अभी कि आ जा जल्दी से, आंधी आ रही है, आ रहा है, बस वो बैठ गया स्कूटी पे। तो और यहाँ मम्मी खाने की तैयारी करी, आज मम्मी कोफ्ता बना रही है, वो क्या घिया के कोफ्ते मिक्स करिए, डालिए। अब मम्मी इसमें बेसन डाल रही है घिया में, कितनी चम्मच बताओ, हिसाब देखना पड़ता है ना, क्योंकि घिया पानी छोड़ती है। क्यों? मैं पानी पानी हो गई, मेरे हिसाब देख के अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, पर मैं हाथ से करूँगी इसको, चम्मच से नहीं, हाथ से पता लगता है ना। ओके, क्योंकि घिया इतना पानी छोड़ती है, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप बनाइए घिया के कोफ्ते, हमको कच्चे भी दीजिएगा, मतलब वैसे तल के। इतना नहीं हो रहा मम्मी, प्लीज नो, छोटे छोटे बनाना और नहीं। चलो ठीक है, बनेगा। गाइस, हम ट्यूशन से लेके आते में नीलू को इतनी तेज आंधी आ गई, मास्क तो लगा पागल, क्या कही कि मुझे जुकाम हो गया, बड़ी जोर से आ गई आंधी।
बट अच्छा लग रहा है। शट अप, मौसम अच्छा हो गया। गाइस आज की हमारे डिनर की प्लेट चपाती और ये है कोफ्ते की सब्ज़ी। आई लव कोफ्ता गाइस, आई लव कोफ्ता। मैं करी कम खाती हूँ, कोफ्ता ज़्यादा खाती हूँ। और ये सैलेड, ये रहा, अटक क्यों रहा आज वीडियो, हम खा रहे हैं और कान्हा जी भी खा रहे हैं। ये रायता भी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ये, बट ठीक है। तो गाइस फटाफट से खाना खा लेते हैं, पढ़ना है मेरे को क्योंकि प्रोग्राम्स बनाने हैं अभी भी, कल मेरी क्लास है इसीलिए। तो खाना खा लेते हैं गाइस फटाफट से। और कल मैं देर से उठूंगा क्योंकि कल मेरा स्कूल नहीं है एंड आपको जल्दी उठना पड़ेगा। गाइस बारिश आ गई, मुझे याद है कल 10:30 बजे से 12:30 तक, फिर 1 से 3 से दोष वैसे लगेगी। तो मतलब 8 बजे उठ जाओ। उठा क्यों? क्योंकि कल हाँ हाँ सैटरडे, कल छुट्टी है तेरी। तो गाइस जैसे कि आपने सुना ही है कल क्लास है, पता ही है जैसे आप लोगों को कल क्लास है, जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। तो उठेंगे जल्दी, अब बस जल्दी से सोती हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस एंड प्रेस द बेल आइकन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय।